दुर्ग में सभी न्यायालयों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत। दुर्ग में आयोजित नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई 3, पाटन व धमधा में आयोजित की गई, जिसमें आपसी राजीनामा योग्य अधिक आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 10,077 मामले एवं बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण के कुल 4,933 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए। दिनांक 16/12/2023 को इस वर्ष की चौथी एवं आखिरी लोक अदालत आयोजित की गई है। इस लोक अदालत में लगभग 10,000 लंबित मामलों को रखा गया है और लगभग 5,000 प्री लिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया है। ये प्रकरण जिला न्यायालय दुर्ग में रखे गए हैं, परिवार न्यायालय दुर्ग में है, श्रम न्यायालय, परमानेंट लोक अदालत एवं किशोर न्याय बोर्ड में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त लोक अदालत व्यवहार न्यायालय धमधा, व्यवहार न्यायालय पाटन एवं व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 में भी आयोजित किया जा रहा है। लोक अदालत में आपको एक मौका मिलता है कि आप आपस में राजीनामा करते हुए प्रकरण को खत्म कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सर्वप्रथम आपका प्रकरण जल्दी खत्म होता है। आप प्रकरण को राजीनामा करके अगर खत्म कर रहे हैं तो जो दोनों पक्षकार रहते हैं उनके बीच में आपस में समझौते से प्रकरण खत्म हुआ है, इसलिए आपसी प्यार मोहब्बत बने रहता है और एक दूसरे के विरुद्ध ईर्ष्या नहीं होती कि ये हार गया और मैं जीत गया। इसके अतिरिक्त जो फ्यूचर में लिटिगेशन आने के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रकरण राजीनामा से खत्म हो चुका है। और जब आपस में मन मुटाव खत्म हो जाता है तो और फ्यूचर लिटिगेशन के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होता है उसकी अपील भी नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।